नहीं आपने। दिन पर दिन सर्दी का कारण क्या कहते हैं, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। हम जितने भी मध्य प्रदेश जबलपुर की जनता है उनसे आग्रह है कि वह सर्दी से बचें, टोपी लगा के चलें, कहीं आना जाना हो तो अपना सर्दी से बचने के लिए अपना पूरे गर्म कपड़ों का उपयोग करें और टोपी वगैरह लगा के चलें और अनर्गल रूप से कहीं बाहर न निकले घरों से, क्योंकि इससे बच्चों को और क्या कहते हैं बुजुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। इसमें पैरालिसिस के भी पेशेंट बढ़ रहे हैं, अटैक के पेशेंट बढ़ रहे हैं और दूसरी चीज़ सर्दी जुकाम से निमोनिक के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ये बच्चे अपने मतलब माँ बाप अपने सावधानी से बच्चों को घर पर रखें, अनर्गल रूप से कहीं यहाँ वहाँ जाने न दें, उसको गर्म कपड़े वगैरह पहना के रखें। धन्यवाद। सर्दी में आप क्या देखते हैं सड़कों पर, क्या स्थिति रहती है? सर्दी में यही है कि थोड़ा खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, बाहर की चौपाटी का कोई भी सामान ऐसे खटाई मटाई हो गई ये सब चीज़ों से थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रभाव पड़ता है। मैं उमेश कुमार गौड़। बच्चे को सर्दी खांसी बहुत तेज हो गई है, दो तीन दिन से परेशान है, रोज लेके आ रहे दवाई बी सी सी भरती है तीन दिन से। क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको, क्या दिक्कत? उनको भी कमजोरी है, बुखार उखार है, सर्दी बुखार कमजोरी। कहाँ से आए आप, क्या नाम आपका? हम प्रेम सागर से। क्या नाम है आपका? उमेश। कभी विक्टोरिया बढ़ रही है सर्दी खांसी की, विक्टोरिया के लिए कोई अलग नई ओपीडी या कुछ विशेष करने जा रहा है कि सर्दी में बच्चों को काफ़ी और बुजुर्गों को भी काफ़ी दिक्कत होती है? शिशु रोग विभाग की एक अलग ओपीडी है, हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञ की संख्या में 5 हैं, तो वहाँ 2 से 3 विशेषज्ञ रोज उपलब्ध रहते हैं और इसलिए जितने भी बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं उनको अटेंड किया जा रहा है, बराबर उनकी जांच हो रही है, उनको जो भी दवाइयाँ की ज़रूरत है दवाइयाँ उपलब्ध हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं। और ये सीज़न ही रहता है, इतनी ठंड पड़ रही है, बच्चों की प्रतिरक्षी क्षमता कम होती है तो बच्चे प्रभावित भी होते हैं, तो ये हर साल इस सीज़न में बच्चों में सर्दी खांसी का प्रकोप बढ़ता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि बच्चों को ठंड से बचाए रखें, माँ बाप के लिए आवश्यक है क्योंकि फेफड़ों में संक्रमण होने पर बच्चों को भी तकलीफ होती है। सुविधाएं पूरी हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, वार्ड हमारे यहाँ है, किसी बच्चे को ज़्यादा तकलीफ होती है तो हमारे पास PICU भी है, बच्चों का ICU भी है, उसमें हम लोग भर्ती कर लेते हैं।